असल में कहानियों पर बनती है, कुछ इमेजिनरी तो कुछ रियल लाइफ स्टोरीज पे। तो साथ ही साथ कहानियों पर फिल्म बनाते बनाते इनकी भी कहानियां शुरू हो जाती हैं, और वो कहानियां हैं प्यार की कहानी। बॉलीवुड में ऐसी कई कहानियां हैं जो कई तो पूरी हुई हैं, तो वहीं कई प्रेम कहानियां अधूरी रह गई है। लेकिन बॉलीवुड में कुछ ऐसी भी प्रेम कहानियां हैं जो अभी भी चल रही हैं अपने मुकाम की ओर। तो आज एक और लव स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की लव स्टोरी के बारे में। अब अगर यहाँ पे बात हो रही है टाइगर श्रॉफ की, तो बात होगी यहाँ पर दिशा पाटनी की। जी हाँ, दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ के चर्चे अक्सर ही होते हैं, उन दोनों के रिलेशनशिप में होने को लेकर भी बातें होती हैं। आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म हीरोपंती से की थी, जहां पर उनकी को एक्टर थी कृति सेनन। इसके बाद आपको बता दें कि दिशा पाटनी ने अपने करियर की शुरुआत वीडियो सॉन्ग बेफिक्री से की थी साल 2016 में। यहीं से इन दोनों के बीच में नजदीकियां शुरू हो गई। ना सिर्फ नजदीकियां, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम भी स्पेंड करते और एक दूसरे के साथ आउटिंग पर भी जाते। यहीं से इन दोनों के बीच में रिलेशन होने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। लेकिन ये दोनों अक्सर ही कहते हुए नजर आए कि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिशा पाटनी को उन्होंने एक बर्थडे सरप्राइज भी दिया था, जहां पर वो दोनों आउटिंग के लिए भी गए थे आइसोलेशन के दौरान। तो यही सब चीजें हैं जो इनके रिलेशन में होने को लेकर बातें करती है। इसके अलावा एक दफा दिशा पाटनी के पैर में चोट भी आई थी, तब भी वो टाइगर श्रॉफ के साथ बाहर लंच पर देखी गई। जी हाँ, दरअसल दिशा पाटनी ने सोचा कि आराम करने से बेहतर ये होगा कि वो अपना समय टाइगर श्रॉफ के साथ बिताए, और दिशा के पैर में चोट थी, फिर भी टाइगर श्रॉफ ने अच्छा जेस्चर दिखाते हुए उन्हें अच्छे से ट्रीट किया और उन्हें ज्यादा परेशान नहीं होने दिया। इसके अलावा फिल्म मुन्ना माइकल में टाइगर श्रॉफ की को एक्टर निधि अग्रवाल से भी दिशा को थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। जी हाँ, क्योंकि फिल्म के दौरान टाइगर और निधि की नजदीकियों से दिशा को थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी और वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए कई दफा दिशा टाइगर श्रॉफ की फिल्म मुन्ना माइकल के सेट पर बिना बताए पहुंच जाती थी, और यही सब चीजें बताती हैं कि दिशा अपने टाइगर को लेकर कितनी पजेसिव है। इसके अलावा कई बार इन दोनों कपल्स को एक साथ देखा गया है। साथ ही साथ ऐसी भी खबरें आई थी कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो ये दोनों कपल दिशा के घर पर एक साथ थे। इसके अलावा जब गणपति उत्सव का आयोजन किया गया था अंबानी हाउस में, तब भी ये दोनों साथ में वहां पर पहुंचे थे और एक दूसरे के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। लेकिन अभी भी उन दोनों के द्वारा ये कबूल नहीं किया गया है कि वो दोनों रिलेशन में हैं। लेकिन फिर भी ये दोनों अपनी फैमिली के साथ नजर आते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आते हैं। अब बस देर है तो इन दोनों के कबूल करने को लेकर दैट दे लव ईच अदर। आपको कहानी कैसी लगी और क्या विचार रखते हैं इन दोनों की इस प्रेम कहानी के बारे में, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप तक ऐसी और भी कहानियाँ यूं ही पहुँचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।